Once again, rolling and action. Once again, sir, just a sec. और ऐसी एक कीमत मेरे परिवार की हमारे आने वाली फिल्म की लाइफ पता नहीं, मतलब चाहते तो हैं कि फिल्म मतलब चले, सब लोगों को पसंद आए, और इतनी गर्मी में तो कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ता है। कुछ लोग खड़े हैं हमारे पीछे जो देख रहे हैं अभी गुस्से में। देखिए, ये जो फिल्म सावधान इंडिया है और जो हमारी फिल्म है सिटी लाइट्स में भी, इसमें काफ़ी समानता है। जो हम ये पर्टिकुलर एपिसोड कर रहे हैं ये है सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स बैक। हमारी फिल्म जो है उसमें भी वो मुंबई शहर में बेस है। ये दो कैरेक्टर जो आते हैं राजस्थान से, मुंबई में इनकी जो स्ट्रगल है, और फिर हमारी जो फिल्म कहती है हाउ फार कैन यू गो बदलना वो फैमिली, तो ये पर्टिकुलर एपिसोड जो हम शूट कर रहे हैं वो भी इसी बारे में है। मैंने तो बहुत कुछ सोचा है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं सब जगह जाऊँ और चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताऊँ हमने कितनी खूबसूरत फिल्म बनाई है, आके देखिए। पर जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ जा रहे हैं। मैंने कुछ एपिसोड देखे हैं और मुझे बेहद पसंद है। रक्षमार, सिटी लाइट्स की जो प्रोमो है काफ़ी हार्ड टचिंग है, तो अभी क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको आपके नियर डियर वन से, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वहाँ? मतलब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, जैसे आपने कहा बहुत ही हार्ड टचिंग है। और मुझे तो कुछ लोगों ने ऐसा तक बोला कि हम ट्रेलर देख के लाइक वी ऑलमोस्ट क्राइड। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब ट्रेलर देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाना मैंने ऐसा कभी सुना नहीं। वो अपने अपने लेवल पे प्रमोट कर रही है, हम लोग यहाँ कर रहे हैं, वो कहीं और कर रही है, तो अच्छा है। दो लोग होते हैं तो अलग अलग दिशाओं में जाके बोल सकते हैं। ये मौका बने रखेगा उनका जो व्हाट्सएप जिस पैशन से उनको प्रमोट कर रहे हैं, वो आई थिंक मैंने देखा नहीं है उनको इतने सालों में किसी इतने पैशन से किसी फिल्म के लिए बात करना। और आई थिंक उनकी एक विशेष रुचि है इस फिल्म में, जो विशेष के लिए भी एक अच्छी बात है और हमारे लिए भी एक अच्छी बात है। देखिए, बड़ा एक अच्छा स्टूडियो है, फॉक्स इन्वॉल्व है, विशेष फिल्म इन्वॉल्व है, इनका सक्सेस रेशो बहुत अच्छा है, तो वो लोग आपकी फिल्म पर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मतलब आपकी फिल्म में कुछ तो होगा। करियर में होगा कि नहीं ये तो बता नहीं, लेकिन ये कैरेक्टर मेरे लिए अभी तक का सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर है। मुझे बहुत सारी थी, मतलब मैंने फिजिकली बहुत ट्रेनिंग था, इमोशनली काफ़ी ट्रेंड आउट हो गया था मैं एज एन एक्टर, इन्हों वजन कम करना और जबान सीखना, एक नई कल्चर को अडेप्ट करना, और फिर इंटरनल इतना स्ट्रगल है इस कैरेक्टर का, तो उन सब चीज़ों से मैं कह सकता हूँ। मेरी डॉली की डोली है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। फिर हमारी अधूरी कहानी है बट साहब के साथ ही, फिर एक फिल्म है रेवोल्यूशन 2020 जो राजकुमार गुप्ता के साथ में था। बिल्कुल पता ही सेटिस्फाई नहीं हूँ अभी, मतलब शुरुआत हो गई है ठीक ठाक, लेकिन अभी बहुत लंबी जर्नी है, चलते रहना है इस जर्नी पर। ड्रीम मतलब यही था कि एक्टर बनना है, और वो ड्रीम तो डेली जी रहे हैं, बुरा नहीं हुआ, डेली जी रहे हैं उस ड्रीम को। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि देखिए हमने जिस ईमानदारी से फिल्म बनाई है और जितने भी हम लोगों को फिल्म दिखा रहे हैं सबके दिल तक पहुँच रही है, सब लोग के दिल को छू रही है, तो ये बहुत ही प्यारी सी कहानी है, बहुत ही एकदम मतलब आपके दिल में पहुँच जाएगी ऐसी स्टोरी है, ये कैरेक्टर जो है, तो यही उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए और लोग कुछ लेके जाएं इसमें। ओके प्रेम, हैव अ लिटिल बॉडी एंगल टुवर्ड्स द कैमरा प्लीज। हां थोड़ा ऐसे, लेट्स चेक फॉर द प्लीज। राजकुमार लुक, एक्शन, नहीं नीचे से मत दे पॉकेट ठीक है, ब्लॉक नहीं, फिर हाथ पूरा ना होकर हाथ को मार दे, या उसको और टाइट कर दो, दुनिया कटनी नीचे अगर आ।